हाय, माय नेम इज रितु चौहान। मैम, इसके ये गाना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जो आज आपने रिहर्सल किया? यस श्योर। ये जो गाना है ये बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, और ऑफकोर्स ये जब गाना रिलीज होगा तो आई एम श्योर कि ये गाना धमाल मचाने वाला है। मैम, इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है आप बता सकते हैं? यस श्योर। इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है राम कुमार पाल और को प्रोड्यूसर है शैलेश पटेल। और इसको डायरेक्ट किसने किया है मैम? इसको डायरेक्ट करने वाले हैं अखिलेश सिंह, और हमारे जो मैनेजमेंट टीम में है वो है अमृता मिश्रा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संजय सैनी है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और आपने मेरे पहले भी काफ़ी सारे गाने देखे होंगे, और ये जो सॉन्ग हमने आज रिहर्सल किया है जिसका, ये बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। आज हमने रिहर्सल किया और रिहर्सल के दौरान हमारे डायरेक्टर साथ थे जो अखिलेश जी हैं, और काफ़ी सारा उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत ही हम्बल नेचर के हैं। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो हैं अपने राम कुमार पाल जी, वो भी बहुत अच्छे हैं नेचर के, और आशा करता हूँ कि ये गाना तो सुपर डुपर हिट जाने वाला है। शूटिंग कब से होने वाला है? शूटिंग शायद हमारी अभी 2 दिन बाद ही स्टार्ट होने वाली है, और काफ़ी हमने मेहनत की है इस पर, और अभी और भी मेहनत जारी है। और कितना मजा आया सर आपको पहला दिन का? बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। शूटिंग का लोकेशन अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन 2 दिन बाद हमारा शूटिंग है ये कंफर्म है। और जो मेरे को आर्टिस्ट है साथ में, ऑफकोर्स इनके साथ जो मेरी कंपनी रही बहुत अच्छी रही, और आगे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे हमारी अभी बॉन्डिंग हो रही है वो चीज़ आप गाने में भी देखोगे। आप जो गाना आप रिहर्सल कर रहे थे जी, इतना मजा आया गाना रिहर्सल? लाइक हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई टास्क दिया है, ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसा लग रहा है लाइक एक पूरा फैमिली इन्वायरमेंट है, लाइक मज़ा आ रहा है, और हम लोग एक एक स्टेप जो कर रहे हैं ना उसमें मतलब समझ में भी आ रहा है और बहुत इजी गोइंग हो रहा है। तो ऑफकोर्स जब आने वाला रहेगा, जब भी हम लोग ये सॉन्ग रिलीज करेंगे तब डेफिनेटली प्रैक्टिस में इतना मजा आ रहा है तो गाना देखने में आपको समझ में आएगा कि गाना कितना अच्छा और क्यूट बनने वाला है। यस, शूटिंग भी इतना मजा है तो गाना तो पूरा धमाल हो जाएगा। ये आपका पहला सॉन्ग है या इससे पहले भी आप कर चुके हो? नहीं, ये मेरा पहला सॉन्ग है, और इससे पहले लाइक मैंने मॉडलिंग और अपना फैशन शोज वगैरह किए हैं। ये गाना मेरा पहला सॉन्ग है। ये मेरा लगभग 9वां या 10वां गाना है, और मैंने काफ़ी सारे कमर्शियल एड भी किए हैं, और वेब सीरीज की हैं, मूवीज़ की हैं, और मेरे भाई भी अभी यहाँ पे आए हैं। दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जब ये गाना रिलीज़ होगा तो इस गाने को एक बार आप ज़रूर देखना, और जो दो कपल होते हैं जिनके बीच बहुत गहरा प्यार होता है और किसी कारण से, किसी सिचुएशन के कारण से वो अलग हो जाते हैं, और कैसी स्टोरी है ये तो आपको गाने में ही पता चलेगा क्योंकि गाना ही इतना खूबसूरत है। जैसे कि संजय ने अभी सब बातें कही, मैं उस बात से एग्री हूँ कि आपको जितना भी है वो सब गाने में आपको दिखाई देगा। नहीं, रितु जी की और मेरी बॉन्डिंग इस गाने में आपको बहुत कमाल की दिखने वाली है। 100% गाना देखेंगे तो समझ में आ गया कि क्या एक बॉन्डिंग बनाई है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्यू करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम अमृता मिश्रा है, और जैसा कि आज हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत रोमांटिक सॉन्ग का रिहर्सल किया है, जिसके प्रोड्यूसर है राम कुमार पाल जी, को प्रोड्यूसर है शैलेश पटेल, डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर जो है वो शैलेश अखिलेश सिंह जी हैं, और इसको मैनेज किया है इवेंट जंक्शन ने। तो जो ये हुआ है बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, इसमें काफ़ी सारे इमोशंस है, काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स है, और काफ़ी कुछ इसमें दिखने वाला है। और इसके जो आर्टिस्ट हैं वो है रितु चौहान और सूरज सैनी, जिनके थ्रू बहुत प्यारा सा एक बॉन्डिंग दिखने वाला है, एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है। जी सर, आप बताइए। नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश सिंह, और आज हम लोग एक गाना शूट कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही ब्यूटीफुल गाना है, रोमांटिक गाना है लड़के लड़की के बीच में, जिसको प्ले कर रहे हैं संजय सैनी और रितु चौहान, दोनों प्ले कर रहे हैं इस गाने को, और प्रोड्यूस किया है संजय पाल जी ने, राम कुमार पाल जी ने, और को प्रोड्यूसर हैं शैलेश पटेल, और मैनेज भाई अमृता मिश्रा जी, और कोरियोग्राफ भाई अनीस खान जी, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। बड़ा ही प्यारा है, मैंने बहुत गाने शूट किए हैं लेकिन अब तक का मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन गाना ये है, सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग,
और हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से शूट करें, इसको प्रयास है, बाकी अब तो गॉड नोज कि क्या होता है, ऊपर वाला क्या करता है इस गाने के साथ, लेकिन गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है, जब आएगा दर्शकों को काफ़ी कुछ पसंद आएगा। सर, इसकी शूटिंग कब से स्टार्ट होने वाली है? 25 तारीख को हम लोग कर रहे हैं शूटिंग इसको विरार में, और मोस्ट प्रॉबली 2-3 दिन पोस्ट प्रोडक्शन होगा, उसके बाद बहुत जल्दी फरवरी के पहले हफ्ते में ये गाना रिलीज कर देंगे हम लोग, आई थिंक सो मिडिल ऑफ फरवरी में मोस्टली रिलीज हो जाएगा ये सॉन्ग। जी सर, नमस्कार, मैं अनीस खान, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और ये मौका मुझे मिस्टर अखिलेश जी ने मुझे दिया है कोरियोग्राफी का, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, एज ए डायरेक्टर ये खुद कर रहे हैं और मैं गाना कंपोज कर रहा हूँ, और हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और इसकी जो आर्टिस्ट है संजय सैनी और रितु चौहान, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो ये चीज़ होने वाली है, बनने वाली है, और बहुत अच्छा कोरियोग्राफ होगा, और ये हम लोग शूट हाल ही में करने वाले हैं, और आगे देखते हैं, इसके लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके लाइक कीजिए, थैंक यू। और मैं पब्लिक से बोलना चाहूँगी कि जब ये गाना रिलीज़ होता है तो आज तक आप दूसरे आर्टिस्टों को जितना प्यार देते आए हैं, उसी तरीके से आप रितु चौहान को, सैनी जी को प्यार दीजिएगा, और इस गाने को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि हम सबकी मेहनत रंग लाए, थैंक यू। और मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले, आपको पसंद है तो लाइक और कमेंट कीजिए। यस सर, गाना मतलब किस बेस पे बनने वाला है, मतलब रोमांटिक होने वाला है या इमोशनल होने वाला है या सैड सॉन्ग होने वाला है सर? रोमांटिक है, प्योर रोमांटिक सॉन्ग है, दो लड़के लड़की के बीच में, एक लड़के का दिल टूटा हुआ है, ऐसा है सॉन्ग, पूरा तो नहीं बता सकता आपको कहाँ, थोड़ा क्लाइमेक्स है तो क्लाइमेक्स के लिए वेट कीजिए। जो स्टोरी बोर्ड अखिलेश जी ने बनाया है मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर है, ब्यूटीफुल है, उसके ऊपर जो मेरी कोरियोग्राफी है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक अलग ही स्टोरी लाइन है, तो जो आपको एक बार आप देखें आप लोगों को पता चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ होगी कलरफुल होगी और अच्छी होगी। वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। गाने को भी बनाया हो, ये आपके ऊपर बीती हुई स्टोरी है या अपने माइंड से बनाया? नहीं नहीं, गाने का रिक्वायरमेंट है, मैं कोरियोग्राफी फील्ड से आज से तकरीबन 28 साल हो गए मुझे कोरियोग्राफी फील्ड में या एज ए उसमें काम करते हुए, तो गाने का रिक्वायरमेंट होता है, वो हमारा दिल टूटा है कि नहीं टूटा है उससे। देखिए, सेट का पहला दिन था तो आपको पैसा? हाँ, रिहर्सल किया हम लोग, बहुत अच्छा लगा, मैं घबराया हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, गाना तो बड़ा मेहनत से हम लोगों ने बहुत ही गाने पे एफर्ट डाला, म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत एफर्ट डाला, राइटर ने इतना बेहतरीन राइटिंग किया है, इतना एफर्ट डाला है वो गाने ने, और कितनी बार ये तकरीबन 4 महीने से पहले से चल रहा था तैयारी गाने का कि हम करने वाले, पिछले 1 महीने से गाने की राइटिंग चल रही थी, तो गाना बड़ा प्यारा ही लिखा है और म्यूजिक भी बहुत प्यारा बना है, और ये लड़का जो गाना गाया है जिसने, ये भी अरिजीत सिंह के को मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में टक्कर देगा, बहुत बेहतरीन, बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है उसकी। इसके बाद भी कई गाने हैं हमारे उसी सिंगर के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि जो सीरीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं ये रितु चौहान और संजय सैनी के बाद, फिर एक और गाना इमिडिएटली शायद हम लोग शूट करेंगे, वो भी बहुत प्यारा है, इससे ब्यूटीफुल गाना है वो, और अच्छा है, तो आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे, बस अपना प्यार ऐसी बनाए। कहानी के लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि हाँ, आजकल जो ज़िंदगी में चल रहा है, दिल टूटना, दिल जुड़ना, और जो मतलब रियल लाइफ में होता है, उस गाने के शब्दों से आप ज़रूर महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं वो कहानी, वो शब्द, वो गाने के बोल जो है, वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़रूर करेंगे, और वो जो इमोशंस है वो आप लोग खुद फील करेंगे, आपको लगेगा कि ये जो चल रहा है, ये जो गाना है, ये जो वर्ड्स है, वो मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वैल्यू रखते हैं, या कहीं ना कहीं वो मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जी, मैं ज़्यादा ना दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहूँगा आपसे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको सच में गाना दिल से पसंद आता है तो सिंगर को भी ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, हमारे आर्टिस्टों को सपोर्ट कीजिएगा, और इस गाने को पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और मैं कहना चाहूँगा अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अखिलेश सिंह, मेरे जो फ्रेंड है और डायरेक्टर है, और मैडम को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद द को स्टार, हमारे जो दोनों हैं संजय और रितु जी, तो उनका कॉपी बहुत अच्छा है मेरे लिए, और ये कलरफुल एंटरटेनमेंट चीज़ बनेगी, और आप लोग इसका इंतज़ार कीजिए,
और थैंक यू वेरी मच। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज 22 जनवरी है, पूरा देश भगवा में हुआ है। यस yes. और उसमें हम लोग एक शुभ मुहूर्त था हमारे लिए। यस yes, yes. इसलिए हमने आज ये दिन चुना कि हम आज से शुरुआत करते हैं right. और आज हमने गाने का रिहर्सल किया तो लगता है कि भगवान की कृपा हमारे पे है और अच्छा हुआ है, शुरुआत अच्छी हुई है जी। गाना भी अच्छा होगा और बस 2-4 दिन में आप लोगों को गाना सुनने मिलेगा तो yes. आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप सर गाना हम सबने सुना, बहुत बेहतरीन गाना है ये सर जी। एक दिल छूने वाली गाना है जो एक कपल के लिए होता है, लड़का लड़की का इमोशनल होता है, उस पर गाना बना हुआ है। तो सर जाते जाते आप ये बताना चाहते हैं कि ये रिलीज जो होगा किस पे होगा सर रिलीज? वो रिवील नहीं कर सकता हूँ कि किस पे होगा, लेकिन बड़ा चैनल है और दर्शकों के बीच में बहुत जल्द ही, मतलब फर्स्ट फरवरी फर्स्ट या मिडिल फरवरी को आपको जल्दी सुनने मिलेगा। बड़े चैनल पे है, बड़े चैनल पे है, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, जय श्री राम, जय श्री।